नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आस्त न्यूज पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा ओपनिंग पोल के बारे में। दिल्ली में आज विधानसभा चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार, कौन मारेगा बाजी, कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीट जीतने में कामयाब होगी, क्या अरविंद केजरीवाल तीसरी बार यानी कि चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं या फिर नहीं, या बीजेपी यहां पर सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस पार्टी यहां पर अपना सरकार का दावा पेश करेगी। तो दोस्तों एक एक करके बात कर लेते हैं दिल्ली की एक एक विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल के बारे में। तो दोस्तों यहां पर दिल्ली का सबसे पहले निकल के आ रहा है केंद्रीय दिल्ली। केंद्रीय दिल्ली में 7 विधानसभा सीट है और यहां पर 7 में से 5 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी पड़ सकता है केंद्रीय दिल्ली में। तो वहीं बीजेपी को यहां पर 2 सीटें ही मिल पा रही है। यानी कि यहां पर कौन कौन से इलाके आते हैं तो यहां पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, बली मारन, चांदनी चौक, करोल बाग, मटिया महल, मोती नगर, पटेल नगर, सदर बाजार, इन इलाकों में केंद्रीय दिल्ली आता है। तो दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली में कौन कौन से इलाके आते हैं तो पूर्वी दिल्ली में गांधीनगर, कोडली, कृष्णा नगर, लक्ष्मी नगर, पड़पड़गंज, सादरा, त्रिलोकपुरी, विशाल नगर, इन इलाकों में 8 विधानसभा सीटें यानी कि दिल्ली यानी कि पूर्वी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 5 सीटें तो ही भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 3 सीटें मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। तो वहीं बात कर लेते हैं नई दिल्ली में कौन कौन से इलाके आते हैं। नई दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों में से सभी 7 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर नई दिल्ली में ग्रेटन कैलाश, जगपुरा, कस्तूरबा नगर, मालवी नगर, नई दिल्ली, ओखेला, आर के पुरम, इन इलाके की 7 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी को यहां पर 3 विधानसभा सीट मिल सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने में प्रबल बनी हुई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का नई दिल्ली में पलड़ा भारी पड़ सकता है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को यहां पर 3 विधानसभा सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ, अन्य पार्टी का तो यहां पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली की 70 में से 22 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहां पर अरविंद केजरीवाल को 13 विधानसभा सीट मिल सकती है। वहीं मोदी यानी कि बीजेपी को यहां पर 9 विधानसभा सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन रही है। तो वहीं राहुल गांधी को यहां पर 0 सीट, अदर पार्टी को यहां पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तरी दिल्ली की। उत्तरी दिल्ली में आती है 8 विधानसभा सीटें यानी कि 8 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं उत्तरी दिल्ली की। तो यहां पर सबसे पहले बुरारी, मांडली टाउन, सुकूर बस्ती, शालीमार बाग, तिमारपुर, त्रिनगर, वाजीपुर, इन इलाकों की 8 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी के संयोजन और अरविंद केजरीवाल को यहां पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। तो वहीं बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी को 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी को यहां पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। अन्य पार्टी खत्म यहां पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं ईस्ट कोण दिल्ली की। जी हां दोस्तों, ईस्ट कोण दिल्ली में 8 विधानसभा सीटें और सभी 8 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो कौन कौन से इलाके रहते हैं, बाबरीपुर, गोड़ा, गोपालपुर यानी कि गोकुलपुर, करवाल नगर, मुस्तफाबाद, रोहतास नगर, सलीमपुर, सीमापुरी इलाका आता है। और इन इलाकों की 8 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल, 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साहब, अन्य पार्टी का 0-0 सीट। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की। जी हां दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में 8 विधानसभा सीटें और सभी 8 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। बादली, बवाना, किरारी, मुंडगा, नरेला, रिठाल, रोहिणी, सुल्तानपुर, माजरा, इन इलाकों की 8 विधानसभा सीटों में सभी 8 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल, तो 8 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। तो वहीं अन्य पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं दिल्ली की 70 में से 46 यानी कि 46 सीटों का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहां पर 46 में से 24 लोकसभा सीटों पर दिल्ली के संयोजन अरविंद केजरीवाल को 24 सीटें मिल सकती हैं। वहीं मोदी को यहां पर यानी कि बीजेपी को 22 सीटें, राहुल गांधी को यहां पर 0 सीट, अन्य
ये पार्टी खत्म यहाँ पर 0-0 सीट। सारी दोस्तों बात कर लेते हैं दक्षिणी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों में से सभी 8 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अम्बेडकर नगर, बदरपुर, छत्रपुर, देवली, कालकाजी, मरोली, संगम विहार, तुगलकाबाद, इन इलाकों की 8 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के संयोजन अरविंद केजरीवाल, तो वहीं 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट और अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से यहाँ पर कौन कौन से इलाके आते हैं, तो यहाँ पर बीजवासन, दिल्ली केट, द्वारका, मटियाला, नजफगढ़, पालम, राजेंद्र नगर, उत्तर नगर, इन इलाकों की 8 में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिमी दिल्ली की। पश्चिमी दिल्ली में 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से हरिनगर, जनकपुरी, मादीपुर, मंगोलपुरी, नांगलोई जाट, राजौरी, बगीचा, तिलक नगर, विकासपुर, इन इलाके की 8 विधानसभा सीटों में से 8 में से 2 पर आम आदमी पार्टी, 6 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी को 0, अन्य पार्टी का तो यहाँ पर 0-0 सीट। दिल्ली की 70 में से सभी 70 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खाते में यहाँ पर 34 सीटें, नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 36 विधानसभा सीट मिल सकती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाबी हो सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मात खा जाएंगे या फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर सुने जाएंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।